नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। ईयर 2020 जो काफ़ी उतार चढ़ाव और मुश्किलों भरा रहा सभी के लिए, लेकिन मूवीज़ और टीवी शोज़ ने प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज से ध्यान हटाने में बहुत हेल्प की। 2020 में बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं और उनमें से बेस्ट मूवीज़ की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का हमारा ये वीडियो है टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज़ ऑफ 2020 इन हिंदी पार्ट 2। 2020 की सबसे बेस्ट मूवीज़ की कंप्लीट लिस्ट के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि 2020 की कौन सी हॉलीवुड मूवीज़ आपके लिए बेस्ट चॉइस हैं। हमारे सभी वीडियोज़ की लिस्ट, सिनेमा न्यूज़, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है सोनिक द हेजहॉग। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सोनिक द हेजहॉग वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है। ये मूवी सुपर हीरो, फैंटेसी, एनिमेशन सभी मूवी लवर्स के लिए अच्छी चॉइस है। फिल्म की सिंपल सी स्टोरी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेजहॉग को और एक ईवल साइंटिस्ट को फॉलो करती है। एक सुपर पावर्ड हेजहॉग सोनिक अपने वर्ल्ड से अर्थ पर आ जाता है, तब एक साइंटिस्ट उसकी सुपर पावर्स को अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए यूज़ करने की कोशिश करता है। फिल्म में लीड एंटागोनिस्ट का रोल एक्सीलेंट एक्टर जिम कैरी ने प्ले किया है। उन्हें नेगेटिव और एक बहुत ही अलग अवतार में देखना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ये एक फैमिली फिल्म है और अमेजन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। This can't be happening to me. Oh my God, stop the car right what? now. What? The world's largest rubber band ball? We gotta see it. No, this is not some fun family road trip. You're right. It was lame. Gift shop was cool though. Number 9 par hai Bad Boys for Life. ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो बैड बॉय फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है और इस फ्रेंचाइज की हर फिल्म की तरह इस फिल्म को भी विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ही स्पेशल बनाया है। इस फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर्स माइक और मार्कस को फॉलो करती है जो मायमी पुलिस डिटेक्टिव्स हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। जब स्टोरी में माइक के डार्क पास्ट की एंट्री होती है, तब माइक और मार्कस दोनों साथ मिलकर चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं। एक्शन और कॉमेडी का बेस्ट कॉम्बो है ये फिल्म और इस कॉम्बो को आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ के साथ इस फ्रेंचाइज की सभी फिल्म्स अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है बर्ड्स ऑफ प्रे, पॉपुलरली नोन एज हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे। ये डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड एक सुपर हीरो फिल्म है जो हार्ली क्विन के कैरेक्टर पर बेस्ड है। डीसी यूनिवर्स की ज्यादातर फिल्म्स की तरह इसमें भी लीड कैरेक्टर कोई एक्स्ट्रा पावर्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी यूनिक फाइटिंग स्किल की वजह से सुपर हीरो कहलाते हैं। इस फिल्म की स्टोरी हार्ली क्विन को फॉलो करती है। वो जोकर से अलग होने के बाद अपनी एक अलग और पावरफुल इमेज बनाना चाहती है। वो स्किलफुल लोगों की एक टीम बनाती है और एक ईवल क्राइम लॉर्ड से एक यंग गर्ल को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म में लीड रोल प्ले किया है एक्सीलेंट एंड माय ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस मार्गो रॉबी ने। इनकी हर परफॉर्मेंस बेस्ट होती है और इस फिल्म में तो इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट से भी बेस्ट है और यही इस फिल्म को मस्ट वॉच बनाती है। दोस्तों, ये अमेजिंग फिल्म अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. नंबर 7 पर है बफे लॉर्ड। ये एक अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अगर आप वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जैसी क्रेजी कॉमेडी और मनी हंगर वाली मैडनेस देखना चाहते हैं तो ये मूवी बेस्ट चॉइस है। फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है। अपने फादर की कम एज में डेथ हो जाने के बाद उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। अब पैसे के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स, राइवलरीज, स्ट्रेस, ये सब कुछ भी उसे फेस करना पड़ता है। दोस्तों, ये फिल्म फैन डब्ड हिंदी ऑडियो में अवेलेबल है। इसका हिंदी ऑडियो उतना बेटर नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में एंजॉय करें। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है अंडर वाटर। ये एक साइफाई हॉरर एक्शन फिल्म है जिसे एक अमेजिंग सर्वाइवल फिल्म भी कहा जा सकता है। दोस्तों, 2020 में बहुत सी सर्वाइवल फिल्म्स रिलीज हुई हैं लेकिन कोई भी अंडर वाटर से बेस्ट नहीं है। इस फिल्म की स्टोरी एक ओशियनिक रिसर्चर क्रू को फॉलो करती है जो एक अंडर वाटर ड्रिलिंग स्टेशन में काम करते हैं। एक डिजास्टर में ये ड्रिलिंग स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सिर्फ 6 लोग बचते हैं। अब ये लोग डीप सी में कब तक सर्वाइव कर पाते हैं, जानने के लिए देखिए ये इंटरेस्टिंग फिल्म। दोस्तों, क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म में बहुत सी कमियां रहीं लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट फिल्म है जिसे आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। On a scale from 1 to 10, how bad's my rig? 10. नंबर 5 पर है अनहिंज्ड।
ये कहने को तो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म भी कहा जा सकता है। फिल्म की सिंपल सी स्टोरी सडनली एक डार्क और थ्रिलिंग टर्न ले लेती है और व्यूअर्स को रियल साइकोलॉजिकल थ्रिल फील करवाती है। फिल्म में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर थोड़ा जल्दी में है और ऐसे में वो ट्रैफिक में फंस जाती है और इरिटेशन और एंगर की वजह से वो एक स्ट्रेंजर के साथ हीटेड कॉन्वर्सेशन रोड रेज में इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये स्ट्रेंजर लीड कैरेक्टर को क्या सबक सिखाता है, जानने के लिए देखिए ये फिल्म। दोस्तों, ये 2020 की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है। Hey, listen to me. He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. This is where your first lesson begins. Give me my phone. Put him back on this goddamn phone! No, I can't do that. नंबर 4 पर है लिटिल विमन। दोस्तों, ये एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है जो 1868 की क्लासिक नॉवल लिटिल विमन का 7th एडिप्शन है। ये 2020 की वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी, स्टार कास्ट, स्क्रीन प्ले सब कुछ एक्सीलेंट है। ये फिल्म चार लविंग सिस्टर्स की स्टोरी हमें दिखाती है, उनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमें दिखाती है, उनके रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को व्यूअर्स के सामने रखती है। अगर आप प्योर ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये फिल्म 6 अकेडमी अवार्ड्स की नॉमिनी रही थी और 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इसने अपने नाम किए हैं। इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है कोमा। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है जिसका कंसेप्ट और स्टोरी सरप्राइजिंग है। ये फिल्म एक अनइमेजिनेबल कंसेप्ट पर बेस्ड है। फिल्म एक बिल्कुल स्ट्रेंज वर्ल्ड हमें दिखाती है जो फिल्म के टाइटल कोमा से कनेक्टेड है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक यंग आर्किटेक्ट है। एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट के बाद जब वो होश में आता है तो वो एक ऑड और एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब वो इस वर्ल्ड के लॉज और रेगुलेशन समझने की कोशिश करता है, यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश करता है और साथ ही स्ट्रेंज वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए एग्जिट ढूंढता है। दोस्तों, मूवी में दिखाए गए फिक्शनल वर्ल्ड की डिजाइनिंग, वहाँ के थ्रेट्स, वहाँ के रूल्स, ये सब फिल्म की यूनिकनेस बनाए रखते हैं। ये माइंड बेंडिंग फिल्म अनऑफिशियली डब्ड है, लेकिन इसकी डबिंग क्वालिटी बेटर है, देखने लायक है। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है वंडर वुमन 1984। ये 2020 की फ्रेश रिलीज्ड सुपर हीरो फिल्म है। ये 2017 की फिल्म वंडर वुमन का सीक्वल है और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 9th फिल्म है। 2020 में बहुत सी मूवीज़ की रिलीज डेट शफल हुई, जिसमें से ये फिल्म भी एक थी। फाइनली 25th दिसंबर 2020 को ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई और हम मूवी फैंस को मिली 2020 की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म जो हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल को मैच कर पाई। फिल्म की स्टोरी वंडर वुमन डायना को फॉलो करती है जो क्वाइटली मॉर्टल्स के बीच रहती है। अब वो मैच्योर हो चुकी है, उसके पास उसकी पूरी पावर्स है, बट वो लो प्रोफाइल मेंटेन करती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ और करेज के साथ सुपर ह्यूमन विलन्स मैक्सवेल लॉर्ड और चीता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस फिल्म का अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर और नेक्स्ट लेवल एक्शन सीक्वेंसेज आपको गूज़बम्प्स देने वाले हैं। ये 2020 की वन ऑफ द बेस्ट और फुल एंटरटेनिंग फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए। The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? नंबर 1 पर है टेनेट। ये साईफाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 2020 के मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, जिन्हें इनकी मास्टरपीस मूवीज़ के लिए जाना जाता है। ये हमेशा अपनी मूवीज़ के यूनिक और माइंड बेंडिंग कंसेप्ट से मूवी फैंस को सरप्राइज कर देते हैं। खत्म होने के बाद भी इनकी मूवीज़ कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस व्यूअर्स के दिमाग में छोड़ जाती है। जिस चीज़ के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है, उस टॉपिक, उस कंसेप्ट पर ये पूरी फिल्म बनाते हैं। टेनेट भी ऐसी ही एक दिमाग हिला देने वाली फिल्म है, जिसे एक बार में समझ पाना इम्पॉसिबल है। सीन्स को रिवाइंड कर करके देखना होगा, डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने होंगे, तब जाकर शायद 2 बार में आपको समझ आ जाए ये फिल्म। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है। वो एक सीक्रेट एजेंट है जिसे हथियार के तौर पर सिर्फ एक शब्द दिया जाता है और उसी की मदद से उसे World War III को रोकना है। अब इस मिशन में कामयाब होने के लिए उसे टाइम के साथ खेलना होगा, नेचर के लॉज को बैंड करना होगा। दोस्तों, अगर इंसेप्शन को देखकर आपको लगा कि इससे बेस्ट माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग मूवी दूसरी नहीं बन सकती, तो टेनेट को देखने के बाद आपका ये ओपिनियन बदल जाएगा। ये फिल्म अनऑफिशियल हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। दोस्तों, ये था बेस्ट हॉलीवुड मूवीज ऑफ 2020 इन हिंदी Part 2। Part 1 और Part 2 के जरिए इस साल की टोटल 20 बेस्ट मूवीज मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। मूवीज, वेब सीरीज और टीवी शोज की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।